मैया देवकी ने मांसों को इकट्ठो करो। अब मैं मुंह रख के बोली अरे बच्चा मैंने खोई दो पागल किसी को आग ले जाए इस जिंदगी को मैंने खोई गर्भ की बारी आई तो योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। हमारा सातवां गर्भ खंडित हो गया। अब आठवें गर्भ की बारी आई है तो आठवें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पर और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे दूतियां बुलाई जाने लगी जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नव मंडल से कछु देव वृंद चित्र में दिखाई देते थे आओ जगधर आओ माधव ये बोल सुनाई देते थे। काल कोठरी में है वसुदेव और देवकी। महाराज भादों की रात है रिमझिम रिमझिम बूंदे पड़ रही है अष्टमी का दिन है। प्रभु ने रात्रि के 12 बजे जब चतुर्भुज रूप धारण किया तो वसुदेव और देवकी ने हाथ जोड़े जैसे हथकड़ी बेड़ियां पड़ी थी तो जैसे ब्रह्म का आगमन हुआ माया ने काम करना बंद कर दिया। हथकड़ी बेड़ियां टूट गई। बोले हे वसुदेव देवकी नाथ उद्धार हुआ हम जीवों का जो जगत आधार पधारे हैं। खुल गए भाग्य हम दीनों के जो दीना नाथ पधारे हैं। हे प्रभु हम इतना अवसर दो लुभा नैन के झोंकों को पर सकू नाथ के चरणों तक छू सकू नाथ के पैरों को। भगवान बोले मैं पैर छिलाने नहीं छूने आया हूं। देख कर तुम्हारा घोर त्याग हम तो क्या जग कराया है अब बहन करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हथकड़ी वेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा उस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिला के छोड़ूंगा। महाराज जब मैं बाल स्वरूप रख लूं तो आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। इतना के झट श्याम ने रखो बाल स्वरूप बदली माया की हुई खिली ज्ञान की धूप। मैया जब महाराज बाल स्वरूप रखा प्रभु ने हुआ ऐसा कोई भी खड़ा नहीं होगा। माता अपनी भी जगह पर बैठी रहे और सभी कृष्ण की भेंट करेंगी।
बादू की रात काली झुकी रे अंधेरिया बैठ जाइए परीक्षक अद्भुत शक्ति